नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रान। देश में आज पांचवें चरण का चुनाव हो रहा है। झारखंड में आज दूसरे चरण का चुनाव है। 3 लोकसभा सीटों पर आज मतदान प्रक्रिया जारी है। इस वक्त मैं मॉनिटरिंग रूम में मौजूद हूं, जिसे वॉर रूम बनाया गया है, और यहां पर पूरी तरीके से जो निर्वाचन पदाधिकारी है वो पैनी नजर बनाए हुए हैं अपने स्क्रीन पर, जो कि आप देख पा रहे होंगे। इस वक्त मैं मॉनिटरिंग रूम में मौजूद हूँ और जो यहाँ की गतिविधियां है आप उसे देखिए कि यहाँ पे जो नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं, जो निर्वाचन के जो पदाधिकारी है जो कैमरे पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं, जो गतिविधि हो रही है पोलिंग बूथ पर उसको लेकर के यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारी की गई है। आप देखिए यहाँ पर, ये हम तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं ये मॉनिटरिंग रूम की दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देखेंगे कि जो पदाधिकारी है वो लगातार स्क्रीन पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। आज 3 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, चतरा, कोडरमा और हजारीबाग, और इसके अलावा 1 विधानसभा में उप चुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे में किस तरीके से चुनाव किया जा रहा है, किसी तरीके से मतदाताओं को परेशानी ना हो, इसको लेकर के खासा तैयारी जो है वो निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई है। और अगर मैं बात करूं मुख्य निर्वाचन आयोग के जो पदाधिकारी है नेहा अरोड़ा, उनसे भी बात हुई तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मतदाताओं को लेकर के विशेष ख्याल रखा जा रहा है, ताकि किसी तरीके की कोई उन्हें असुविधा ना हो। भीषण गर्मी को देखते हुए पेयजल की व्यवस्था की गई है, नींबू पानी की व्यवस्था की गई है, टेंट लगाए गए हैं, शौचालय की व्यवस्था की गई है, ताकि मतदाता जो है वो पोलिंग बूथ में पहुंचे और अपने मत का अधिकार का प्रयोग करें। और ये तस्वीर हम आपको इस वक्त मॉनिटरिंग रूम से दिखा रहे हैं, जिसे वॉर रूम बनाया गया है, और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर किस तरीके की खबरें चल रही हैं उस पर भी जो निर्वाचन पदाधिकारी की लगातार नजर बनी हुई है। और जिस बूथ पर किसी तरीके की कोई गड़बड़ी आ रही है तो तुरंत वहां पर उसे ठीक करने के लिए वहां पर जो वॉलंटियर है उन्हें भेजा जा रहा है। तो तस्वीर आप देखें, यहाँ पर हम मॉनिटरिंग रूम की दिखा रहे हैं, जहाँ पर निर्वाचन पदाधिकारी लगातार स्क्रीन पे अपनी नजर बनाए हुए हैं। अपना देखिए यहाँ पर जो वर्क है वो किया जा रहा है मॉनिटरिंग रूम के अंदर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और हर बूथों पर किस तरीके से वोटिंग हो रही है वो देखा जा रहा है। हर मैं अगर बात करूँ तो 4D कैमरा लगाए गए हैं और कैमरे के माध्यम से लगातार नजर बनाई जा रही है कि किसी तरीके की कोई असुविधा ना हो पोलिंग बूथ पर। साथ ही साथ जो मतदाता है वो जाए और जाकर के अपने मत का अधिकार का प्रयोग करे। और ये तस्वीर हम आपको इस वक्त रांची से दिखा रहे हैं, निर्वाचन आयोग से दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग रूम में जो पदाधिकारी है वो नजर बनाए हुए हैं। और आज 3 सीटों पर झारखंड में चुनाव हो रहे हैं, चतरा, हजारीबाग और कोडरमा, और 3 सीटों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग है। और क्या कुछ अपडेट है अब तक अगर मैं बताऊं तो 11 बजे तक 24.16% की वोटिंग हुई है। आगे जो भी अपडेट है वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल सुनिए क्या कुछ कह रही है अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा। इस बार सभी बूथ पे वेबकास्टिंग का व्यवस्था किया गया है, जिसमें हर बूथ पे 2 कैमराज इंस्टॉल्ड हैं, एक अंदर के लिए है ना, जो अंदर में मतदान कक्ष का पूरा यहाँ पे फीड देता है, और दूसरा बाहर के लिए जिसमें क्यू में कितने लोग हैं या किस तरह से उसके कैंपस में एक्टिविटी हो रही है वो मॉनिटर किया जा सकता है। तो सब AC वाइज यहाँ पे टीम का गठन किया गया है, जो हर प्रकार की गतिविधि को वहाँ मॉनिटर कर रहे हैं ना। तो जहाँ पे इंटरवेंशन की जरूरत है संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट, AERO या ARO से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। 7 बजे से हाँ, देखिए हम लोग होपफुल हैं कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ पोल अच्छा रहना चाहिए वोटर टर्नआउट, है ना। किसी भी एक अवधि के लिए हम लोग कुछ कंक्लूजिव रिमार्क नहीं दे सकते हैं, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोल सेटिस्फैक्ट्री रहे उसी के लिए प्रयास किया जा रहा है। 3 सीटों पर वोटिंग हो रही है, 1 सीट पर नहीं, किसी तरह की अव्यवस्था का अभी तक किसी प्रकार का कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। कहीं कहीं अगर कुछ बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट या VVPAT के कुछ वहाँ पे सिचुएशन थी, तो उस तरह पे वहाँ पे उसका रिप्लेसमेंट किया गया है ना। इसके अलावा कहीं पे भी किसी तरह का प्रतिकूल कोई रिपोर्टिंग नहीं है। आज को लेकर कोई खास व्यवस्था? देखिए सभी पोलिंग स्टेशन हमारे मॉडल पोलिंग स्टेशन हैं, तो सभी पे हर तरह की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। वॉलंटियर्स भी हैं सब पोलिंग स्टेशन पे, जो इलेक्टर्स जो क्यू में खड़े हैं उन्हें पानी पिलाने की व्यवस्था,
है ना, इसके अलावा नींबू पानी एक्सेट्रा की व्यवस्था भी वो लोग कर रहे हैं। और इसके साथ ही वेबकास्टिंग क्योंकि हर कहीं हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे किस तरह से क्यू मूव कर रही है वो भी यहाँ से सेंट्रली मॉनिटर कर रहे हैं। थैंक यू। तो आज दूसरे फेज में झारखंड के 3 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं, चतरा, हजारीबाग और कोडरमा। पूरी जानकारी हमारे साथ साझा कर रही थी अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।